तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और उसका पार्ट वन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उसके जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 उसकी टेबल बनाना आपको सिखाया था और याद करने की ट्रिक भी बताई थी। अब आज की वीडियो में हम थोड़ा उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर एवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको सिंप्लीफाई करके। तो क्या करना है आपको, एंगल की वैल्यू यूज करनी है जो आपको टेबल में पिछली बार बताई थी, 5 cos² 60। आप cos 60 की वैल्यू क्या थी, आप टेबल आपको याद हो गई हो तो इसकी वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, sec² 30, sec क्या था, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3, और सॉ कर देंगे स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी sec² 30 की। मान tan² 45, 10 × 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे sin² 30 + cos² 30, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 √3/2। ठीक, इसके बाद केवल कैलकुलेशन है, जिस बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है वो इजीली सॉल्व कर देगा इसको। तो शुरुआत करते हैं, 5 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 5 से मल्टीप्लाई तो 5/4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4 = 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, केवल रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, -1, नीचे 1/4 + √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3/4, 1/4 + 3/4 हो गया 4/4, तो नीचे हो गया आपका 1। ठीक है, 4/4 1 होता है और ऊपर एलसीएम लेकर के एलसीएम आएगा 12 और 3 की मल्टीप्लाई 5 5 3 = 15 हो गया और 4 की मल्टीप्लाई जाएगी 16 में, 16 4 = 64 और इस 4 3 = 12 की मल्टीप्लाई जाएगी 1 में, -12। इस तरीके से आपका आंसर 15 - 12 हुआ 3 और 3 इसमें ऐड हो जाएगा 67/12, यह हुआ फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको एंगल वाली जो भी वैल्यू मिलेंगी, एंगल की वैल्यू पुट करनी है और केवल उसको कैलकुलेट करना है, उसके लिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और बताता हूं आपको मैं, sin A = 1/2 तो वेरीफाई करना है 2 sin A cos A = 2 tan A / 1 + tan² A, 1 + tan² A, ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, sin A 1/2 तो एंगल क्या होगा 30 डिग्री, मगर वैल्यू अगर यहां कुछ और हो जाए 1/2 की वजह से 1/3 हो जाए तो आप एंगल नहीं फाइंड कर सकते। तो ऐसी किस्म क्या करना है आपको, आप ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए ये एंगल यहां पर ले लो, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पी हो जाएगा आपका 1 और हाइप हो जाएगा 2 रेशो की फॉर्म में, और इसका बेस क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा √2² - 1² √3। अब इस ट्राइंगल से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले आप निकालो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A cos A, sin A 1/2 पहले से मालूम है और cos होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस क्या है √3
और हाइपो टू, तो रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, आंसर आया रूट थ्री अपॉन टू। ये लेफ्ट साइड होगी, राइट हैंड साइड निकालनी है आपको, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू यहां से, टेन क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाई मतलब बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है वन और बेस क्या है रूट थ्री, तो टेन ए हो गया वन अपॉन रूट थ्री। चूंकि रेशो है ना, या एक्स की वैल्यू में आप इसमें सपोज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्स कट जाएगा, अगर एक्स फॉर्म में वैल्यू सपोज करते हैं एक्स टू एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाता, तो डायरेक्ट आप रेशो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, टू अपॉन रूट थ्री डिवाइड बाई वन प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, इसमें एक प्लस करोगे टू अपॉन रूट थ्री डिवाइड बाई, तो वन प्लस वन अपॉन थ्री, थ्री प्लस वन यानी फोर अपॉन थ्री, तो आंसर आएगा आपका टू अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर। इस तरह से टू वन जा टू टू जा कैंसिल हो गया, और रूट थ्री से आप थ्री को कैंसिल करो तो मिलेगा आपको रूट थ्री, क्योंकि थ्री होता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो एक रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट थ्री, तो आंसर आया आपका रूट थ्री बाई टू। तो इस तरीके से हमने जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों ही रूट थ्री बाई टू, ये भी हो ये भी, तो ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और है, इफ sec a इज इक्वल टू 26 अपॉन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन की पावर 4a इंटू sec स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये कैलकुलेशन है, बड़ी बात नहीं। sec, sec क्या होता है बताओ, फॉर्मूला हाइपो अपॉन बेस ही होता है। अगर मैं ट्राइंगल लूं यहां पर इस तरह से, और ये b ले लेते हैं हम, ये 26 और ये मिल जाएगा आपको 10, तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको p ले लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा, यहां निकाल लेता हूं इसको मैं, पी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मिल जाएगा माइनस टेन स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लो, 26 प्लस टेन कितना 36, और 26 माइनस टेन 16, तो पी की वैल्यू इसका रूट ले लो, तो यहां से 6 मिलेगा, यहां से 4, ये 24, ये मिल जाएगा आपका 24, तीनों साइड मिल गई ट्राइंगल की। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, तो 24 अपॉन टेन स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, ए की फॉर्म में, तो ए लेते हैं पर हम, पी अपॉन एच, तो 24 अपॉन 26 माइनस साइन की पावर 4a, की पावर 4, और sec, sec होता है h अपॉन b, यानी 26 अपॉन 10 की पावर 4। अब आप उसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में ऐसा करो 24 स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहां पर 10 स्क्वायर और 26 स्क्वायर यहां मिल जाएगा, 26 इधर चला जाएगा क्रॉस में, और 10 इधर जाएगा माइनस 10 स्क्वायर,
माइनस 26 की पावर 4, ये तो सीधे कैंसिल होंगे, देखो इससे ये कैंसिल, और यहां पर स्क्वायर है, टेक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होगा यहां पर, तो 26 स्क्वायर से कट जाएगा पावर 4, तो बचेगी नीचे पावर 2, 26 की पावर 2 और इनटू यहां 10 स्क्वायर, और यहां पर 24 की पावर 4 इनटू, ये टर्म कैंसिल होगी, बस यही मिलेगा यहां, ठीक है, समन कर लेते हैं, 24 स्क्वायर और 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 24 स्क्वायर होता है, देखो यहीं ट्रायंगल से देख लो, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर, नीचे 10 स्क्वायर इनटू 26 स्क्वायर माइनस 24 की पावर 4 डिवाइड बाय 26 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर। अब देखो दोनों टर्म एक जैसी हैं बिल्कुल, ठीक है, 24 की पावर 4 या पावर 4, 10 स्क्वायर 26 स्क्वायर और 10 स्क्वायर इनटू 26 स्क्वायर, पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और आंसर मिला आपका 0। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम रेशो या एंगल वाली है तो आप ट्रायंगल बना करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था, उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था।